की बात करेंगे। इंदौर में तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ग्रामीण इलाके में एक मादा तेंदुआ घूम रही है। सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा तस्वीर भी कैद हुई और उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है। वन विभाग ने 2 से 3 पिंजरे भी लगाए हैं पर अब तक कामयाबी मिली नहीं है। ग्रामीण इलाके में तेंदुए को लेकर रहवासियों में थोड़ा भय का माहौल है। रात में घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। नैनोद का ये पूरा मामला है। नैनोद इलाके के समर्थ कॉलोनी सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगभग 1 सप्ताह पहले ये मादा तेंदुए को उस इलाके में देखा गया था। तब से लगातार वन विभाग की टीम जो रेस्क्यू करने का इस तेंदुए का प्रयास कर रही है। कई अन्य माध्यम से इसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली। और अब जो नई ताजा तस्वीरें आई है, समर्थ कॉलोनी की तस्वीरें हैं और उस इलाके में तो ये मादा तेंदुआ है घूमती नजर आई। 2 अलग अलग सीसीटीवी में भी कैद हुई है। हालांकि इसको पकड़ने के लिए 3 पिंजरे भी लगाए गए हैं, दूसरी कार्य योजना भी तैयार की गई थी लेकिन अब तक वन विभाग को उसको मादा तेंदुए को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। जिससे आसपास के इलाके में, जिस इलाके में ये घूम रही है या जिसका मूवमेंट लगातार जिन इलाकों में देखने को मिल रहा है वहां के स्थानीय रहवासियों में दहशत का माहौल है। सूरज ढलने के बाद ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि अक्सर जो तेंदुए की मूवमेंट है वो रात के समय ही देखी गई है। तो फिलहाल जो वन विभाग की टीम है वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कितनी जल्दी इस मादा तेंदुए का रेस्क्यू किया जाता है ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनको थोड़ा सा राहत की सांस वो ले सके। जी जी, हालांकि एक बात और है शैलेंद्र, के इंदौर जैसे संसाधन संपन्न इलाके में अगर तेंदुए को काबू करने में 7 दिन या ज्यादा का वक्त लगे तो सोचना और सुधार करना जरूरी है। शैलेंद्र, बिल्कुल निश्चित तौर पर, देखिए निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से ये मादा तेंदुआ जो बताया जा रहा है कि इसने कुछ दिन पहले 2 बच्चों को भी जन्म दिया था और उसके बाद ये रिहायशी इलाके में लगातार इसका मूवमेंट देखने को मिल रहा है और अलग अलग इलाकों में इसका मूवमेंट उस इलाके में देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी, तमाम प्रयत्न करने के बावजूद भी अगर वन विभाग की टीम इसको पकड़ नहीं पा रही है तो आप जवाब पूरा करिए लेकिन मैं एक एड ऑन करना चाह रहा हूँ, अगर इसने बच्चों को जन्म दिया तो ये बहुत आक्रामक भी होगी। शैलेंद्र, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये डर की बात स्थानीय लोगों में इसी बात को लेकर है क्योंकि इसने हाल ही में 2 सावकों को जन्म भी दिया था। इस बात की जानकारी वन विभाग को भी है और वन विभाग लगातार इसको ट्रेस करने में भी जुटा हुआ है। तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, अलग अलग जो अभियान है उसके तहत इसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि देखिए आसपास के जो सीसीटीवी है उनमें ये लगातार देखी जा रही है, लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है। दिन में भी कई तरह के जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, रात के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं लेकिन इसको पकड़ने में फिलहाल वन विभाग के हाथ फिलहाल खाली नजर आ रहे हैं। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।